बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो सोडियम कार्बोनेट 10H2O, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट पढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट पढ़ते हैं। डेका क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ पे 10 है, 10 को डेका कहा गया, हाइड्रेट क्यों कह रहे हैं, वाटर। अभी इस पे हाइड्रेट, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड का आएगा नेक्स्ट, आगे के लेक्चर में हम ये जरूर बताएंगे कि यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, सोडियम कार्बोनेट जब वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं होता तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इसे तब हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कहते हैं। एनहाइड्रस का मतलब कि सोडियम कार्बोनेट में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CuSO4, ठीक है, CuSO4 के साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। बट अगर हम इसे CuSO4 के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड कर दें, मीन्स कि इस कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट में हमारे 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं रह गया बल्कि ये हाइड्रस फॉर्म में हो गया। तो वैसे ही आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के 3 तरह के फॉर्म अगर आप देखें कि सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो हम उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट में अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल है तो उसे हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं, और अगर सोडियम कार्बोनेट में कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में होता है और उसे हम क्या कहते हैं, सोडा एस। तो ये रिमाइंड कर लीजिएगा, अगर आपका सोडा एस लिखा हुआ है तो सोडा एस ओनली आपका सोडियम कार्बोनेट, उसमें आपका कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। बट अगर वो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं तो वो आपका वॉशिंग सोडा हो जाता है। तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट के कई 3 तरह के फॉर्म। अब हम इनकी मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, तो देखिए वॉशिंग सोडा जो होता है वो 3 स्टेप में प्रिपेयर किए जाते हैं, 3 स्टेप में प्रिपेयर, ये भी सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चर। अब फर्स्ट स्टेप से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि अभी आप जब बेकिंग सोडा का जो आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्टेप मिलेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फर्स्ट स्टेप तो उसी का है ये कि यहाँ पे ब्राइन का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमें फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोज, देखिए स्टेप 1 में होता क्या है कि स्टेप 1 में ब्राइन का अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला हुआ रहता है इसी को हम हीट करते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी आपने देखेंगे आप बेकिंग सोडा की उसमें। तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वाटर फॉर्म होता है। ये जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है इसमें अभी कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये अभी एनहाइड्रस फॉर्म में है। हम कह सकते हैं कि ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में है और इसे हम क्या कहेंगे, सोडा एस कहेंगे, हमें अभी वॉशिंग सोडा नहीं मिला है। अब क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसमें वाटर और इसका हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वहाँ पे वाटर अटैच्ड करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, फिर इसे कूल करेंगे, जब कूल करेंगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा तो उसी को हम रिक्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे मीन्स उसमें हम 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड करेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे, तो जब उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल मिक्स्ड हो जाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वॉशिंग
सोडा के फॉर्म में, ये जो है अभी ये गैसियस फॉर्म में है, और जब वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो उस वो आ जाएगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट होंगे बहुत ही, क्रिस्टल मतलब बहुत ही साइनी और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक्शन ऑफ एयर की बात करते हैं, एक्शन ऑफ एयर का मतलब कि एयर के साथ अगर हम इसे एयर में छोड़ दें, तो एयर में छोड़ने के बाद अगर वॉशिंग सोडा को एयर में छोड़ दें तो वहाँ पे देखेंगे कि इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और एक ही वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड कहेंगे। मीन्स कि इसका जो 10 वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्ट में जो प्रेजेंट था 10 में, तो 10 जब हम इसे एयर में छोड़ते हैं तो 9 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गया और एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचा, ठीक। तो ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म है। अगर हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इसके जो 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, सिर्फ बच जाता है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म, जिसे हम सोडा एस कहेंगे। एक्शन ऑफ एसिड, अगर हम इसका एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म होता है, ठीक है। अब यूजेस की बात करते हैं, तो ये लॉन्ड्री में यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग क्लोथ की क्लीनिंग करने के लिए, ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है, और भी ये लैब में और भी सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज होता है, उनके प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि ग्लास, सॉप हो गया, पेपर हो गया, बोरेक्स हो गया, कास्टिक सोडा हो गए, उनके मैन्युफैक्चर में ये काम होते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट में ये काम आते हैं। तो इस तरह से अगर यूजेस देखें तो आप अपने बुक में और 2-3-4 यूजेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो 2 सॉल्ट हो गए, बस एक आपका सॉल्ट बचा है और एक आपकी टॉपिक बची है। पीएच की एप्लीकेशन पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पीएच एप्लीकेशन से, तो बस लास्ट टॉपिक रह गया है और आपका एसिड चैप्टर हो गया, कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपका एक लेक्चर और रह गया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन 5 पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल, क्योंकि अभी हम 3rd चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। 4th चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, हटा दिया गया है कार्बन कंपाउंड, और लास्ट लेक्चर बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक पीरियोडिक टेबल और एक आपका मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल का जो मेन पार्ट है वो भी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो ज़्यादा अब उस चैप्टर में कुछ रह नहीं गया है, तो इसीलिए हम उसे बाद में पढ़ाएंगे, इसके पहले हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे।